हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज चंदन और इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा सीएसआर नेट दिसंबर 22 और जून 23 के कंबाइन एग्जामिनेशन से ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन जो पार्ट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म और कोशेंट ग्रुप की प्रॉपर्टी से है। क्या कह रहा है कि लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड फाई डिफाइन फ्रॉम G1 टू G2 बी अ सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास कि पाई जो है वो G1 से G2 पे डिफाइन किया गया एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि G1 अगर साइक्लिक है तो G2 भी साइक्लिक होगा, G1 अबेलियन है तो G2 अबेलियन होगा। फिर कह रहा है कि H अगर सब ग्रुप है G1 का, देन फाई ऑफ H इज द सब ग्रुप ऑफ G2, और N अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का तो फाई ऑफ N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2। तो इस तरह से भी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से अगर हम पढ़ें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि G1 इज साइक्लिक देन G2 इज साइक्लिक। तो अभी क्या है कि G2 वैसे तो कोडोमेन है लेकिन ऑन टू है तो रेंज भी है हमारा, है ना। मतलब रेंज ऑफ फाई जो है हमारा वो क्या है, G2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई ऑफ G1 इज इक्वल्स टू G2। इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हैं कि अंडर होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, अंडर होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, अंडर होमोमॉर्फिज्म सब ग्रुप मैप्स टू सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप मैप्स टू नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ अलग और स्पेशल नहीं है, फिर भी वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑन टू दे दिया है तो हम थोड़ा सा ऑन टू का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कोशेंट ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी कोशेंट ग्रुप की ये ले सकते हैं कि जी मेरे पास क्या है, कोई भी ग्रुप है और मैं साइक्लिक ग्रुप ले लेता हूँ, जी क्या है साइक्लिक ग्रुप है और एच सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब जी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली जी किसी एक एलिमेंट जी के एलिमेंट से वो जनरेट हुआ होगा, लेट जी इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय ए। ठीक है, देन जो हम कोशेंट ग्रुप जी अपॉन एच बनाएंगे, कोशेंट ग्रुप बनाने के लिए एच क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप, और साइक्लिक या अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो जी बाई एच जो है ये भी क्या बन जाएगा, मेरा एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। तो जी अपॉन एच ऑब्वियसली वेल डिफाइन होगा और ये साइक्लिक होगा, और साथ ही ये किससे जनरेट होगा वो भी मैं आपको बता दूं, तो ये एच ए से जनरेटेड होगा, इस एलिमेंट ए से जो हम कोशेट बना रहे होंगे, राइट कोशेट लेफ्ट कोशेट जो भी आप बना रहे हो मैटर नहीं करेगा, उससे ये जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर जी साइक्लिक है तो जी अपॉन एच क्या होगा, साइक्लिक होगा। सिमिलरली अगर मेरा जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, और एच कोई भी सब ग्रुप है जी का, तो जी अपॉन एच वेल डिफाइन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, अब जो थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म का, फंडामेंटल थ्योरम जिसको कहते हैं, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जी अपॉन, या फिर G1 यहां दिया हुआ है तो चलो G1 ले लेते हैं, या इन जनरल लिखते हैं, चलो जी अपॉन कर्नल ऑफ फाई, मतलब होमोमॉर्फिज्म फाई अगर जी से जी डैश पे डिफाइन किया गया है, ये कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो जी अपॉन कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक टू क्या होता है, रेंज ऑफ फाई है। ठीक है, तो फिलहाल अपने क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, G1 अपॉन कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक रेंज के होगा, और रेंज क्या है मेरा, G2 है। ठीक है, तो अब यहीं से रिलेट करो कि G1 अगर साइक्लिक हुआ तो G1 अपॉन कर्नल ऑफ फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा, G2 के, मतलब G2 G1 के कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है ना। तो G1 साइक्लिक होने पे उसका कोशेंट ग्रुप साइक्लिक है, और G1 अबेलियन होने पे उसका कोशेंट ग्रुप अबेलियन है, तो वहां से ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, देन पाई ऑफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ G2।
ये फर्स्ट और सेकंड को जरूरी नहीं है कि हम कोशेंट ग्रुप की ही प्रॉपर्टी लगाएं, उसे जस्ट होमोमॉर्फिज्म से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर जी मेरा जी वन मेरा ए से जनरेटेड है और ये अगर एक्स पे मैप हो रहा है जी टू के, तो हमारा इमेज सेट उस एक्स से जनरेट कर जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं सिमिलरली टू के लिए भी। तो इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी वन देन फाई ऑफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी टू, ये देखते हैं। हाँ H क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप ऑफ G1, तो phi ऑफ H में किस तरह के मेंबर होंगे, phi ऑफ X such that X belongs to G1 तरह के, इस तरह के मेंबर होंगे यहां पे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी E1, मान लीजिए कि G1 का आइडेंटिटी E1 है, तो ये कहां मैप कर रहा होगा, E2 पे, जो कि G2 का आइडेंटिटी होगा। तो E2 कहां बिलोंग कर जाएगा, phi ऑफ H में, क्योंकि H अगर सब ग्रुप है तो डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट इवन जो है ये एच में तो बिलोंग कर ही रहा होगा। तो फाई ऑफ इवन जो कि ई टू है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, फाई ऑफ एच में। तो इसका मतलब फाई ऑफ एच ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है, वैसे भी फाई ऑफ एच एच अगर सब ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी ही रहेगा, बट ठीक है ये कर लिया हमने। अब एज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, तो क्या है कि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, जी वन है ना, x, y belongs to g1, क्या हो जाएगा, x, y inverse कहां belong करेगा, g1 में belong करेगा, ठीक है। Now, अब अगर इसे phi of h के respect में देखें तो क्या बोलेंगे कि for every phi of x, phi of y belongs to कहां पे, phi of h। ये x और y कहां के member, हम g1 के member consider कर रहे हैं, तो phi x, phi y कहां का member हो जाएगा, phi h का मेंबर हो जाएगा। अब हर एक्स वाई जो जीवन का मेंबर है उसके लिए एक्स वाई इनवर्स कहां बिलोंग कर रहा है, जीवन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एवरी phi x phi y बिलोंग्स टू phi h, phi ऑफ एक्स वाई इनवर्स ये भी कहां बिलोंग करेगा मेरा, phi h में, क्योंकि अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट h का मेंबर है तो डेफिनेटली ये भी h का मेंबर है क्योंकि h सब ग्रुप है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, phi x phi y इनवर्स बिलोंग्स टू phi h। थोड़ा और सिंप्लीफाई आप इसे करें तो क्या हो जाएगा, phi x phi y होल इनवर्स ये कहां बिलोंग कर जाएगा, phi of h में। तो phi of h यहां से क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, क्योंकि सब ग्रुप के लिए क्या है कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करे h में। तो यहाँ phi x phi y बिलोंग कर रहा था उसके लिए phi x phi y इनवर्स बिलोंग कर गया phi h में। तो इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हैं, दैट इंप्लाई phi of h इज द सब ग्रुप ऑफ g2, है ना, ये किसका सब ग्रुप हो गया, g2 का। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारा ट्रू हो गया। अब सब ग्रुप तो हमने प्रूफ कर ही दिया है, अब नॉर्मल के लिए चेक कर लेना है हमें, ठीक है। अब नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा कि इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, जी इनवर्स एच जी कहां बिलोंग कर जाए, एच में। तो ये इंप्लाई करेगा कि एच इज नॉर्मल इन जी, ये डेफिनेशन है। तो सेम चीज यहां पे हमें अप्लाई करना है, किसके लिए, पाई ऑफ एच, यहाँ पे शायद एन दिया हुआ है तो phi of n के लिए कर सकते हैं कि चलो कैपिटल n इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g1, देन phi of n इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g2। तो phi of n में किस तरह के एलिमेंट होंगे, कुछ phi of x such that x belongs to n, n क्या है मेरा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ h की जगह अगर n रखते हैं तो फिर ये कंडीशन जो दिया गया है यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, जैसे यहाँ क्या था, फॉर एवरी g बिलोंग्स टू एक्चुअल ग्रुप जो है वो, और स्मॉल h बिलोंग्स टू दिस है, g इनवर्स h g h में बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर एवरी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक जी टू बिलोंग्स टू जी टू, ठीक है, एंड phi of x यहां का मेंबर है belongs to phi of n।
अब यहां पे जी इनवर्स एच जी का जो कंडीशन है यहां पे क्या लिखेंगे, जी टू इनवर्स एच की जगह पाई ऑफ एक्स हो जाएगा और साथ में फिर मेरा जी टू। अब इसे मुझे क्या दिखाना है कि कहां बिलोंग कर जाए, ये बिलोंग कर जाए फाई ऑफ एन में। तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या यूज होने वाला है आपका, ऑन टू होमोमोरफिज्म। ऑन टू का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जी टू जो है ये तो हमने स्मॉल जी टू को मैंने कैपिटल जी टू से तो रैंडमली पिक कर लिया है, नहीं तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर ऑन टू होमोमोरफिज्म नहीं होता तो क्या पता हमने ये जी टू पिक किया जो है कोडोमेन से, उसका प्री इमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं कह सकते। तो बट फिलहाल कह सकते हैं, है ना, कि ये जो जी टू है ये कोई ना कोई इसके लिए क्या मिला होगा, कुछ जीवन मिला होगा, कि फाई ऑफ जीवन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई होगी, जी टू हो गई होगी, ठीक है। और ये जीवन कहाँ मिला होगा, इस जीवन में, ठीक है। तो जी टू इनवर्स जो है, तो जीवन अगर मैप करता है जी टू पे, तो फाई ऑफ जीवन इनवर्स कहाँ पे मैप करेगा, जी टू इनवर्स पे। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जीवन इनवर्स, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि जी टू का प्री इमेज जीवन था, तो जी टू इनवर्स का प्री इमेज क्या हो जाएगा, जीवन इनवर्स। मैंने इक्वल टू वाला एंड जो है ना मैं यहां रखता हूं, ठीक है, इसके इक्वल मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा मेरा फाई ऑफ एक्स, और ये मेरा हो जाएगा फाई ऑफ जीवन। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये चीज किस, ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ जीवन इनवर्स एक्स, और फिर यहां पे आ जाएगा जीवन, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया कि अगर सोचिए कि एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि ये जो जीवन पिक कर रहा हूं ये यहां से एन का मेंबर होगा, ठीक है, सॉरी ये जो जीवन मैंने पिक किया है वो क्या है, जीवन का कोई भी मेंबर है, रैंडम मेंबर है, ठीक है। ये जीवन एन वन का उधर, सॉरी एन का, सॉरी जीवन का कोई भी रैंडम मेंबर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दूं, ये जीवन जो है वो क्या है, स्मॉल जीवन कैपिटल जीवन का कोई भी रैंडम मेंबर है, ठीक है। और ये एक्स कहां का मेंबर था मेरा, एक्स मेंबर था मेरा एन का, ऑब्वियसली जीवन का भी होगा बट ये एन का मेंबर है, ठीक है। तो फिर जीवन इनवर्स एक्स जीवन ये डेफिनेटली कहां बिलोंग करेगा, एन में, क्योंकि एन क्या है मेरा, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब इस एलिमेंट का जो इमेज हम देखेंगे वहां पे, तो जीवन इनवर्स एक्स जीवन का इमेज मुझे कहां मिल गया, ये मुझे मिल रहा है पाई ऑफ एन में। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ये कहां की क्वांटिटी मुझे दिखाना है, पाई ऑफ एन की क्वांटिटी दिखाना है मुझे। तो जीवन इनवर्स एक्स जीवन अगर उधर कैपिटल एन का मेंबर था तो उसका इमेज फाई ऑफ समथिंग कहां मिलेगा, पाई ऑफ एन ही में तो मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि एन अगर मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो फाई ऑफ एन भी मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। बस यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करनी होगी हमें कि होमोमॉर्फिज्म मेरा ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू होने पे ऐसा डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चारों ही ऑप्शन ट्रू हो गए। थैंक यू।